सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा एस के एम परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, यानी कि हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ बच्चों, अपनी कौन सी बुक चल रही थी? अपनी बुक चल रही थी व्याकरण। कौन सी बुक चल रही थी? व्याकरण। व्याकरण के पार्ट 7 तो पूरे हो चुके हैं, आज मैं आपको पार्ट 8, पार्ट संख्या 8 करवाने जा रही हूँ और टॉपिक है अनेक अर्थक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेक अर्थक शब्द कहलाते हैं, अतः हम कह सकते हैं। फिर से, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। कि क्या होता है? एक से अधिक अर्थ होते हैं। विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में जब वे प्रयुक्त होते हैं तो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेक अर्थक शब्द कहलाते हैं, अतः हम कह सकते हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेक अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चित्र देखो, रिंग बनी हुई है, पेड़ है, पहाड़ से हैं, 1 2 3 लिखा है, ये क्या है? नक चमक रहा है। रिंग में क्या लगा है? नक। तो देखो, उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि एक नग। उपयुक्त चित्र देख रहे हैं ना? एक बार फिर से देखो, चित्र अच्छे से देखो। बीच में एक नग बना हुआ है जिसका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अर्थ, ये देखो नग है, लेकिन ये सभी क्या बनेंगे? इसके अर्थ बन रहे हैं, ठीक है। इनसे मिलते जुलते इन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द एक है नग। अब देखना कैसे होते हैं, आप अपने देख पढ़ते हैं। उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि एक नग। उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि एक नग शब्द के कई अर्थ हैं। इस प्रकार के शब्दों को ही अनेक अर्थक शब्द कहते हैं। देखिए, निम्नलिखित अनेक अर्थक शब्दों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। देखो, शब्द क्या है अपना? अंक। अंक का एक अर्थ क्या हुआ? गोद। संख्या, अध्याय। क्या हुआ? अध्याय। अंक, गोद, संख्या, अध्याय। अचल, क्षेत्र गोद। अंबर, समझते हैं ना? अंबर, कपड़ा, आकाश। अधर, होंठ, बिना आधार के, जिसका कोई आधार ही नहीं होता। अधर, होंठ, बिना आधार के। अनंत, अब आगे क्या है? अनंत का क्या आएगा? आकाश ईश्वर। अब आगे देखो, सिक्स, अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन। धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन। आम, फल का नाम है सामान्य। उत्सर्ग, त्याग, समाप्ति, दान। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ। कनक, सोना, धतूरा,
चुके हूँ। कर, हाथ, टैक्स, किरण, करना, क्रिया। कर, हाथ, टैक्स, किरण, करना, क्रिया। कल, चैन, मशीन, बीता हुआ और आने वाला दिन। इस प्रकार ही बेटा ये इस लाइन में दे रखे हैं, काल, समय, मृत्यु, यम, कुल, वश, वंश, योग, घराना, गति, चाल, दशा, मोक्ष, गुरु, शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, घन, बादल, हथौड़ा, घना, जीवन, जिंदगी, प्राण, वायु, तीर, किनारा, बाण, दक्षिण, दहना, दक्षिण दिशा, नायक, नेता, नाटक का मुख्य पात्र, मार्गदर्शक, पद, पैर, ओहदा, काव्य, प्रकृति, स्वभाव, कुदरत, मूल, अवस्था, स्वभाव, कुदरत, मूल, अवस्था। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह पढ़ लिए मैंने, पढ़ा दिए, अब आप भी इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। अब देखो 24 नंबर 23 पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, मुद्रा, मोहर, सिक्का, मुख का भाग, वर्ण, रंग, अक्षर, जाति, विधि, ढंग, रीति, भाग्य, नियम, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, धन, संपत्ति, संज्ञा, नाम, चेतना। देखिए आओ पाठ दोहराएं, आओ पाठ दोहराएं। जिन शब्दों के एक से अधिक अनेक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में जब प्रयुक्त होते हैं तब ये अलग अलग अर्थ देते हैं, यानी कि शब्द एक है, इन सब के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, तो उनका वाक्यों में भी अर्थ अलग अलग से निकलेगा। तो ठीक है बेटा, पाठ दोहरा लिया हमने, तो चलते हैं अभ्यास। किसमें चलते हैं? अभ्यास में फर्स्ट करते हैं मौखिक। अनेकार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? इसमें उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। प्रकृति शब्द के कोई दो अर्थ बताएं, प्रकृति शब्द के दो अर्थ बताएं। नेचर, ठीक है, ये कुदरती, ऐसे दो अर्थ और देख लेना, मैंने तो बता दिए। वैसे तो ये मौखिक हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये मौखिक भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये अभ्यास में मैंने आज आपको मौखिक तक ही करवाया है, प्रश्न नंबर 8 आज मौखिक तक ही करवाया है। अब मैं आपको कल करवाऊंगी लिखित, इसी पाठ का अभ्यास लिखित से शुरू करवाऊंगी, इसी पाठ का अभ्यास लिखित शुरू करवाऊंगी, तो वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, पाठ 8 को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।